अनिश्चित काल मरण व्रत पर बैठेंगे संत, यहाँ पर बैनर पर लिखा है, ऐसा क्या कारण हो गया जिसकी वजह से आपको मरण व्रत पर बैठना पड़ रहा है संतों को? आदरणीय सत्कार योग सत्संग है जी, पिछले 4 महीनों तो समय की जालम सरकार ने सतगुरु रविदास महाराज का पावन पवित्र अस्थान तुकता बाग विखे ढह ढेरी कर दिता है। उसके संदर्भ के पूरा रविदासिया समाज देश विदेश में उन्होंने हिरदे बलूंदरे गए और उसके पुनर्निर्माण के लिए आल साधु संप्रदाय सती पंजाब और समुचा रविदासिया समाज ने धरने प्रदर्शन किए और जो सरकार समय की जालम सरकार है इसनों ठंडे वास्ते पौनी चाहती है और जो 96 साढ़े साथी जेलों में बंद ने उन्होंने रिहाई दे लई और सतगुरु रविदास महाराज का पावन पवित्र अस्थान बनाने दे लई सरकार दे कोलों मिशन तुकलगा वाग आल साधु संप्रदाय सैटी ने जंतर मंत्र ते कलवंत राम परोमजारे प्रधान आल साधु संप्रदाय सोसायटी ने यह तहैया किया है कि मैं उन्हें दिन अन्न ग्रहण नहीं करूँगा जिन्ना चर साहबे कमाल सतगुरु रविदास महाराज का पावन जो पवित्र अस्थान का पुनर जो निर्माण नहीं हो जाता और 96 जो साडे साथी हैं वो जेलों के जो बिना शर्त रिहाई रिहा नहीं की जाती क्योंकि समय की जालम सरकार की जो हैगी मानसिकता असी जान चुके हाँ। ये जो लड़ाई हैगी मानवतावाद और गैर मानवतावाद की है जिथे कि ये लोग अपने जो इन दे स्वर्ण जातियां दे मंदिर हैं वो भी सारे सरकारी जमीन पर ही बने ने और अपने जो गुरु घर हैं उन्होंने बहुत ही अपनी जी छवि उन्होंने बचाने के लिए संविधानिक तौर पर कोर कमेटियां बना के ये बाबरी मस्जिद में जो हैगा राम लला का मंदिर बनाना चाहते हैं। दूसरे बन्ने अशूत संतों के जो है मंदिर है उन्होंने ढह ढेरी करना चाहते हैं। कलवंत राम परोमजारा जी प्रधान आलू संघ सोसायटी ने जो संकल्प लिया है और असी समुचा रविदासिया समाज उन्होंने नाल हाँ खड़े हाँ और ये जो अगर जे महापुरशा दे कोई भी शरीर में जो खरोच आई जो स्वास्थ्य कुछ भी जो तब्दीली आई और उसका जोड़ा खमियाजा समय की जालम सरकार भुगतना पवेगा और इसमें असी समय की जालम सरकार अपील भी करते हाँ और बेनती भी करते हैं और चेतावनी भी देंगे हाँ और ये जो बहुत संजीदगी नाल ये जड़े है इस दे विच सरकार अपनी जड़ी हैगी नैतिक जिम्मेवारी गुरदेव जय भीम जय भारत। सो जिहड़ा साडा अज मेन मुद्दा आ जो सतगुरु रविदास महाराज तुकलकाबाद का जो मसला चल रहा 3-4 महीने के शुरू हुए नूं इस मसले नूं जो कि इतने दी जालम सरकार ने मोदी सरकार ने जो मंदिर जिहड़ा हैगा इसनों ढह ढेरी किया आ जो इतने दी जिहड़ी सरकार आ मनवादी सरकार ने जो ये दलितों के जो साडे समाज से साडे जो अत्याचार कर रही हैं जो धक्केशाइया कर रही हैं सो इस चीज़ को कभी भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा रविदासिया समाज नहीं बर्दाश्त करेगा। सो जिहड़ा हुण इस टाइम दिल्ली दे विच जो मरण वक्त ते जो साडे संत समाज जो बैठे ने जो साडा समाज उन्हां दे नाल चलिया होया जो साडा पूरे भारत दे जिहड़े संत समाज साडे इत्थे बैठ रहे ने सो उन्हां ने संत समाज ने यही बेनती की अपील की है जिहड़ियां मौके दीआं सरकारां आ कि जिहड़ा जो साडे सतगुरु रविदास महाराज जो मंदिर आ तुकलकाबाद विखे जो इहनूं जे तुसीं इहनूं इन्नी जल्दी जे ना बनाया जिन्नी जल्दी भी इहनूं नहीं बनाते तो असीं जिहड़ा जो इहदा संघर्ष आ बहुत ही इहदा जिहड़ा तिखा संघर्ष होर कीता जाऊगा। सो हुण साडा जिहड़े संत महापुरश आ इस टाइम जो दिल्ली जंतर मंत्र ते जो मन वर्त ते बैठे आ सो समाज उहनां दे नाल इस टाइम जो उहनां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के चल रहा आ। सो असीं बेनती करते हैं अपील करते हैं जिहड़ियां मौके दीआं सरकारां आ इहनां नूं भी जिन्नी भी जल्दी हो सके सतगुरु रविदास महाराज तुकलकाबाद का जो गुरदास मंदिर आ उहनूं जिन्नी भी जल्दी हो सकता उहनूं बनाया जाए जो साडे 96 साथी जो जेलों में आ उन्होंने भी जिनी जल्दी बिना शर्त उन्होंने रिहा किया जाए। सो असी यही बेनती करते हैं अपील करते हैं सो इतने जिन्हें भी साडे जंतर मंतर के साथी आए ने साडा संत समाज पहुँचा आ उन्हों का असी तहे दिल धन्यवाद करते हैं और बहुजन फ्रंट पंजाब के जिहड़े भी साडे साथी इतने पहुंचे उन्होंने भी तहे दिल धन्यवाद है। साडे एक गल होर पता लगी है कि सरकार ने जिहड़ा तुकलकाबाद का मंदिर सीगा उस समाज के सपोर्ट उस समाज में ही दिता जाऊगा तो होर
और इस तो अलावा जिहड़ा ये मानवर तो रखा गया वा वह कितना की कारण आ जो संत समाज वालों जो मानवत रखा गया क्योंकि पंजाब दे विच भी काफ़ी एजीटेशन किए आ जो संत समाज वालों बहुजन फ्रंट पंजाब वालों सारे ही रविदासिया समाज वालों बाल्मीक भाईचारे वालों जिन्हें भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया उ भी काफ़ी एजीटेशन होया लेकिन उस तो बाद हुण जिहड़ा रुख दिल्ली वालों किया आ जो कि जिहड़ी केंद्र सरकार आ मोदी सरकार आ इहनू मतलब जो भी इहदे नाल इहनू धक्केशाही जिहड़ी कर रही आ इहदे नाल मतलब आपां रल के जिहड़ा भी इहनां दे जो मंदर जो मसला है वो इन्होंने आप बनवा सकते पर पिछे पिछले हफ्ते जी संत समाज की जी मीटिंग हुई है अमित शाह के नाल उत्थे भरोसा दिता है कि मंदिर तो दिता जाऊगा देखो जी इस संबंध में जिहड़ा असी जो बहुजन फ्रंट समाज आ संत समाज आ इहदे विच असी यही कहना चाहांगे जो जिहड़े संत साडे समाज जिहड़े साडे लोग आ जिहड़े संत समाज आ वह अपने अपने लैवल ते जो भी केंद्र सरकार नाल राबता कायम करदे आ ते बाकी असी कोई किसी ते टिप्पणी जां टीका टिप्पणी नहीं करना चाहुंदे देखो जिहड़ा भी संत समाज अपने अपने लैवल ते जो अपने समाज लई लगा अपने रहिबरां प्रति लगे आ वह असी वधिया गल आ वह लगे रहिण लेकिन असी यह भी चाहुंदे आ कि भी जिहड़ा साडा पूरा संत समाज आ जे एक प्लेटफॉर्म से आए तो बहुत वधिया एक मैसेज आता है तो इस करके असी बेनती करते सारे संत समाज में पूरे भारत के संत समाज में कि वो एक प्लेटफॉर्म से आन जो एक तिखा संघर्ष जो रल के आप कर सकते मेरा नाम भाजी दिलबाग सलन है जी मैं भाजी जलंधर तो हाँ रविदासिया फेसबुक कमेटी का वर्ल्ड दिल्ली के जंतर मंत्र से श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसायटी रजिस्टर्ड पंजाब के प्रधान श्रीमान 108 संत कलवंत राम परम गुजारा जी की महान सरप्रस्ती हेठ अते होर साधु समाज जिहड़ा कि वक् वक् डेरे सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन के प्रचार के लगे हैं उन्हां डेरियां दे महापुरश उन्हां दीआं प्यारे प्यारे सेवक जिहड़े है वह वड्डी गिणती दे विच 5 तरीक तो लगातार दिल्ली के जंतर मंत्र ते जिहड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मेन मंग की है मेन मुद्दा की है साडा क्योंकि देश की जिहड़ी आज़ादी है 70 साल बीत गए है लेकिन अजे तक देश दियां सरकारां जिहड़ियां सानूं धार्मिक आज़ादी तक ही नहीं दे सकियां ते एजुकेशन और हैल्थ का जिहड़ा सिस्टम है ये कदों ये जिहड़ा आम नागरिक तक मुहैया करवाया जाना है जदों तां वोटां लैणियां हुंदियां मोदी वर्गे जिहड़े छात्र दिमाग दे लोग है आर एस एस दे इशारे ते चल के ये लोगों घट गिणतियां विश्वास तो लै लेंदे आ लारे ला देंदे आ फिर नारा देंदे आ सबका साथ सबका विकास तो विकास की जदों भी ये दूसरी बारी सत्ता दे विच मोदी सरकार आई है लेकिन आँदी ने घट गिणती जिहड़े कि भारत वर्ष दे विच बहुत वड्डी गिणती दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी दे मनण वाले लोग है उन्हां दे नाल ही धार्मिक मुद्दे ते उन्हां दे मंदर नूं ढा के उन्हां दीआं भावनावां जिहड़ियां धार्मिक भावनावां दे नाल खिलवाड़ करदे है फिर ये वोटां लै के भुल जांदे है सो इन्हां नूं आइडिया ये नहीं हैगा कि रविदासिया कौम ना झुकण वाली कौम है ना विकण वाली कौम है जे साडे सतगुरु रविदास महाराज का दिल्ली स्थित तुगलकाबाद जिहड़ा मंदिर है उन्हूं बड़ी बेरहमी नाल ढाया गया है असी सरकारां तों जंतर मंत्र ते साडा जिहड़ा आखिरी निशाना रह गया वह मन वरत है असी अपने इस गुरु घर दे लई असी अपनियां जानां कुरबान करन लई तैयार बैठे हाँ साडा संत समाज जिहड़ा सतगुरु रविदास महाराज जी दे मान सन्मान दे लई अज मन वरत ते बैठा है असी उन्हां दे सेवक उन्हां दी अगवाई दे विच उन्हां दे साथ देण दे लई आए हैं जिन्हें भी संत महापुरश अज दे इस धरने दे विच लगातार 5 तरीक तों बैठ के उन्हां दी सपोर्ट कर रहे हैं असी उन्हां दा हार्दिक स्वागत करते हैं और जिन्हें संत जिहड़ी मेन स्टेज है उहदे ते दिखाई नहीं दिंदे उन्हां नूं हथ जोड़ के बेनती करते हैं कि ये सतगुरु रविदास महाराज जी की इज्जत का सवाल है साढ़े प्यो की पग नूं मोदी ने हथ पाया और असी उन्ना चर इदा के रोस प्रदर्शन करते रहेंगे जिन्ना चर सानू मुड़ के तुगलकाबाद जिहड़ा मंदिर है उसी जगह पर सानू बना के नहीं दिता जाता असी एक गल मैं इतने अपने माध्यम तो कह रहे हैं कि अगर थोड़े दिनों के दौरान इस गल का रिजल्ट साढ़े हक के ना आया साड़ी कौम के हक के ना आया साधु संप्रदाय सोसायटी और संत समाज के हक के ना आया तो पंजाब जिमनी चोणा हो रही हैं असी उन्होंने ऐसा खलल पावे
भी मोदी नूं सुरत टिकाने लिया देवे पूरा एक भी कैंडीडेट जिहड़ा 22 इलैक्शन दे विचों जित के नहीं आऊगा अगर एडे वड्डे समाज दीआं धार्मिक भावनावां नूं इगनोर किया गया। असी फगवाड़े की जिमनी चोण दे विच वध तों वध असी अपनी ताकत झोक के उत्थों मनुवादी ताकत नूं हरा के मोदी के मूँह ते करारी चपेड़ मारांगे। इन्नी हाजरी दे नाल जय गुरदेव। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।